Hello everyone, welcome back to the channel Indian Vlogger Sonali, and I'm so happy to record this video because I'm back on YouTube. मैं आई हूँ बहुत अच्छे बड़े एक गैप के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद. तो लाइफ जो होती है वो एक जैसे तो नहीं चलती, हमेशा अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं. तो काफ़ी डाउन्स देखे कुछ सालों में, कुछ अप्स भी देखे. और सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें 2022 ने दिया, दैट इज़ पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो हम 2 जने थे मेरी फैमिली में, एंड नाउ विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम 3 जने हो गए हैं. मैं बोलती हूँ 2 एंड हाफ मैन वैसे. तो वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. वीडियो है प्रोडक्ट रिव्यू की, फॉरेस्ट एसेंशियल. तो ये एक लग्जरी ब्रांड है और इसके काफ़ी सारे आइटम्स हमने यूज़ करे हैं. सबसे पहले मैंने इसका सौंदर्य क्रीम खरीदा था जो 5000 रुपये का क्रीम है. मैंने वो शॉर्ट्स भी बनाई थी इसकी ऊपर, होप आप देखी होगी. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से रिव्यू शुरू करते हैं. तो गाइज, मैं फॉरेस्ट एसेंशियल बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. आप देख सकते हो सब कितनी पुरानी बॉटल्स हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द ओरिजिनलिटी, ऐसा मेकअप किया हुआ वीडियो ना लगे. लेकिन ये सब मैं न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ. इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ भी करी हैं. और ये देखो, एक गुडी बैग भी मेरे को फ्री मिला है फॉरेस्ट एसेंशियल की तरफ से. अच्छा, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, तो ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये जो ब्रांड है ना, ये बहुत लग्जरी ब्रांड माना जाता है, लग्जरी आयुर्वेदा ब्रांड. लेकिन आई फाउंड जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट एट द सेम टाइम वर्थ इट भी हैं. सारी ही वर्थ इट नहीं है, तो आई विल कट शॉर्ट द स्टोरी कि आप कौन सी जाके लो. जैसे कि ये ऑयल है इनका, इसको बोलते हैं मोरिंगा ऑयल. ये जो ड्रमस्टिक होती है ना, जो सांभर बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, वो चीज़ है ये. तो इनका ये ऑयल हमें इतना अच्छा लगा है ना, कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे हस्बैंड दोनों इस ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये ऑयल एकदम नॉन स्टिकी है और इतना अच्छा स्वीट सा फ्रेग्रेंस आता है. मतलब कि यूजुअली हम डाबर आमला लगाते हैं या सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, उसके बाद आप ऑफिस में जाते हो ना तो स्मेल आता है. आई नेवर वेंट टू ऑफिस विद ऑयल इन माई हेयर्स. तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, फिर उसको हेयर वॉश करूँगी, फिर जाऊँगी. लेकिन ये ऑयल ऐसा है कि आप लगा के भी जा सकते हो ऑफिस में, क्योंकि बिल्कुल नॉमिनल सा खुशबू सा आता है, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ऑयल लगाया. बिकॉज दीज आर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं. पहले हमने ये बॉटल लिया था, फिर हमने रिपीट छोटा बॉटल लिया, फिर हम इतने बड़े फ़ैन हो गए कि हम इसको दोबारा बड़े वाला ख़रीदने गए. तो ये लिखा हुआ है इसका MRP है 3850. कितने ml? 500 ml. सो इट्स वेरी कॉस्टली ऑयल, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है. इसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा है, इतने अच्छा हेयर ग्रोथ हो रहा है. और हेयर फॉल मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो वो तो मार्जिनेबली कम हो गया है. इसके बाद जो मुझे इनका बेस्ट प्रोडक्ट लगता है वो है ये स्क्रब. ठीक है, फॉरेस्ट एसेंशियल का स्क्रब है. इसको मैं खोल के भी दिखा दूंगी आपको. ये स्क्रब देखो मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा स्क्रब है. पहले मैं एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ करती थी, वो इतना हार्श है मेरी स्किन के ऊपर दैट आई कैन नॉट यूज़ इट. पूरा रेड रेड रैशेस पड़ जाते थे. लेकिन ये इतना माइल्ड और इतने बारीक दाने हैं इसके अंदर कि बहुत अच्छा सा, मेरे तो ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है नोज़ के ऊपर. तो ये जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया ना प्रोडक्ट, तो मेरे वो ब्लैक हेड्स ख़त्म ही होने लग गए हैं. वाइट हेड्स अभी भी होते हैं, लेकिन अगर मैं यूज़ करती रहूँ इसको तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. उसके बाद जो मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है वो है इनके शुगर सोप. पता नहीं कितने ही हमारे घर में आ चुके हैं, कितने ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ऑरेंज, रोज़, कार्डमम, बहुत सारे तरीके के हैं. इसका प्राइस जो है वो है 550 रुपीज़. 550 रुपये का ये साबुन की बट्टी आती है एक, बट इट्स वर्थ इट. क्योंकि यू नो लेडीज़ तो फिर भी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर फिसल जाती हैं, बट मेंस वगैरह ना ये ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं. मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं, पार्क एवेन्यू साबुन डिटॉल किसी से भी नहा लेते हैं. बट आफ्टर यूजिंग दिस वो दोबारा गए मेरे को लेके, बोलते नहीं मेरे को यही शुगर सोप्स यूज़ करने हैं. इज़ अ बिग फैन ऑफ दिस सोप. अच्छा, स्क्रब का प्राइस मैंने बताया नहीं था. स्क्रब का प्राइस है
1295, ठीक है, 1200 रुपये का है तकरीबन ये स्क्रब, 50 ग्राम्स, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दिस इज़ थम्स अप, दिस इज़ थम्स अप, दिस इज़ थम्स अप, और थम्स अप में इनका प्रोडक्ट आता है दैट इज़ फॉरेस्ट एसेंशियल का रूम स्प्रे। अभी तक हम एम बी प्योर और ये सब ऑडोनिल वगैरह रूम स्प्रे यूज़ कर रहे थे विच इज़ जस्ट गैस सिलेंडर, कुछ भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये जो है प्रोडक्ट, ये जो ताज होटल्स या बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर यही वाले रूम स्प्रे यूज़ होते हैं। इनको आप कर्टन्स पे डालो, बहुत देर तक रूम महकता है आपका। तो मैं कहूँगी ये ओके प्रोडक्ट है, आई वोंट से कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लेकिन हाँ बेटर देन ये जो बाकी के एम बी प्योर वगैरह, उनसे तो बहुत अच्छा है। ये 1400 रुपये का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इट इज़ ओकेश, दिस इज़ ओकेश, दिस ऑल आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये बॉडी मिस्ट खरीदा था, बहुत ही बेकार, बिल्कुल बेकार, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ इसका। इससे तो आप कोई डीओ शीओ ले लो, आई थिंक ईवा का 100 रुपये का डीओ आता है, वो भी इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे ये बॉडी मिस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसका प्राइस जो है आई कैन नॉट टेल गाइज, आप वेबसाइट पर देख सकते हो इनकी, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये पहले का लिया हुआ है तो याद भी नहीं है, ये हमने रिसेंट परचेज करा है इनकी शॉप पे जाकर इंदिरा नगर बैंगलोर से, सुनहरे दिन। इसमें रात की चांदनी भी था एक फ्लेवर, लेकिन हमें सुनहरे दिन ज़्यादा अच्छा लगा। और ये 4000 का था तकरीबन, और ये बहुत अच्छा है, 4800, तकरीबन 5000 ही हो गए। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दिस इज़ थम्स अप फॉर मी, बहुत अच्छा है। और ये यूनिसेक्स है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों लगा सकते हैं। अच्छा, बॉडी मिस्ट दिस इज़ थम्स डाउन फॉर मी, बिल्कुल ही बेकार प्रोडक्ट था। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। दिस इज शॉवर वॉश, इट वॉज ओकेश, जब स्टार्टिंग में लिया था बहुत अच्छा था और पूरा रेड कलर, पॉमीग्रेनेट इसका फ्लेवर था तो पूरा रेड कलर का था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कलर भी इतना फेड हो गया, हालांकि उनसे हमने बात की थी जब, तो शॉप पीपल टेल अस कि ये जो है नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अपना रंग छोड़ देते हैं बट असर नहीं। तो लेकिन मुझे तो लगा असर भी छोड़ दिया। यहाँ पर ये है हेयर क्लिंजर, ब्रिंगराजी और शिकाकाई, मतलब कि शैम्पू। ये शैम्पू वॉज ऑल्सो थम्स डाउन फॉर मी, बिकॉज लेडीज़ को क्या है, अपने लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो झाग चाहिए होती है, आई नीड फोम, देन ओनली आई फील कि मैंने हेड वॉश करा है। बट ये आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये कोई फोम नहीं बनाता है, तो इट वॉज नॉट गुड फॉर मी। इसके बाद ये है हेयर क्लिंजर, ये है फेशियल क्लिंजर, ये है हेयर कंडीशनर, ये है शॉवर वॉश, ये सब प्रोडक्ट्स ओकेश प्रोडक्ट है, आई वोंट रिकमेंड दिस टू बाय। बट हाँ, मैं आपको कहूँगी, एक तो आप इनका परफ्यूम यूज़ करो, सोप यूज़ करो, और ऑयल, ऑयल तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इनका, एक बार आप प्लीज़ ज़रूर यूज़ करो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। हेडेक वगैरह होता है ना अगर बहुत फ्रीक्वेंट, तब भी ये बहुत अच्छा ऑयल है। इसके बाद इस बार रीसेंट परचेज में हमने लिया है फेशियल क्लेंजर, जो है कश्मीरी सैफ्रन एंड नीम। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, एक दो बार ही किया है, बट इट इज़ गुड, बेटर देन माय ओल्ड फेशियल क्लेंजर जो कि था हनी एंड लेमन वाला, उससे ये बेटर है। अच्छा, बॉडी मिल्क तो बहुत ही अच्छा है, इसको मैं यूज़ करके भी दिखाती हूँ, मोगरा एंड जैस्मिन का है, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। देन फेशियल मॉइस्चराइजर, दिस इज़ अगेन वेरी गुड प्रोडक्ट, ये है सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील, और ये भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे, ये सारे 1000-1000 रुपये की रेंज के हैं। लेकिन ये है कि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं बट चलते बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी क्रीम लगती है, प्रोडक्ट थोड़ा लगता है। अगर आप इतनी सारी शॉपिंग करते हो तो साथ में आपको ये ऐसे पाउचेस भी फ्री मिलते हैं और साथ में सैम्पल्स भी फ्री मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ सैम्पल फ्री मिले थे, जो कि हेयर कंडीशनर है, फेशियल मॉइस्चराइजर है, एक शैम्पू भी फ्री मिला था, कुछ हमने इधर उधर गिफ्ट्स भी कर दिए हैं अपने फ्रेंड्स को। तो ये सारा प्रोडक्ट एक तरफ, और अब जो मैं इनका प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो है एक तरफ। जो मैंने बोला प्रोडक्ट जो सबसे एक तरफ है वो है इनकी ये क्रीम, सौंदर्य रेडियंस क्रीम, दिस इज 24 कैरेट गोल्ड, इसमें ये बोलते हैं, कंपनी क्लेम्स इट। और मैं आपको बताऊं कि मेरे फेस पे, मैं इसको पिछले एक साल से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ और मेरे फेस पे मार्जिनेबल रिजल्ट्स आए हैं। एक तो ये प्रोडक्ट थोड़ा बहुत लगता है तो चलता बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँ पैकेजिंग तो अल्टीमेट है, और इसका प्राइस है 5000 रुपीज़। आप इसको वेबसाइट पे देख सकते हो, प्राइजेस बॉक्स पे लिखे होते हैं यूजुअली, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाता है जब 5000 की कोई क्रीम दिखाता है। बट या, इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। अभी उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एक चैप्ड लिप्स के लिए,
लिप बाम फॉरेस्ट एसेंशियल का, ये भी बहुत अच्छा है रियली. इसका टेक्सचर इतना अच्छा है ना, इतना अमेजिंग. कुछ लिप बाम लगा के ना मेरे तो पता नहीं क्या होता है कि गले में बिल्कुल सूख सा जाता है, जैसे गला ही सूख जाता है लिप बाम लगाने से. बहुत बार ऐसा फील हुआ है मुझे, लेकिन इस लिप बाम में ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे. और ये नॉर्मल प्राइस का था, 400-500 कुछ का था, तो आप ये लिप बाम ज़रूर ट्राई कर सकते हो. तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स का रिव्यू मेरा बहुत देर से ड्यू था, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो. ओके, बाय.